अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, काफ़ी दिनों के बाद आज अमेज़न से मुतालिक मैं वीडियो बना रहा हूँ। अपने कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आ रहे थे, और तो मैंने सोचा एक कम्प्रीहेंसिव आज मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ कि जिसमें जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं आपके अमेज़न के अकाउंट से मुतालिक, किसी भी किस्म की मार्केट से मुतालिक, तो उनको डिटेल से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये जो काफ़ी किस्म के क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं, इवन के कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट किस्म के डिजिटल असिस्टेंट जो है वो उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, और उनको डिफरेंट किस्म के जो है वो उसके आंसर मिल रहे होते हैं। तो वो एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो मैंने उसमें से सिलेक्ट किया है, ताकि एक तो उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको मिल सके, और उसके साथ साथ अमेज़ोन उनके बारे में खुद क्या कहता है, रेदर दैन कि किसी का एक्सपीरियंस या किसी के पर्सनल ओपिनियन, अमेज़ोन खुद उसके बारे में क्या कहता है, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो रिसीव हुए हैं आपके पेमेंट इंफॉर्मेशन से मुतालिक, जिसमें स्टूडेंट्स ने पेमेंट्स इंफॉर्मेशन के मुतालिक पूछा है कि कौन कौन सा आप अकाउंट अटैच कर सकते हैं, चार्ज मेथड क्या होता है, उसके बाद चार्ज मेथड फॉर एडवर्टाइजमेंट ये क्या होता है, पाकिस्तान से बैठ के या इंडिया से बैठ के या किसी और कंट्री से बैठ के हम पेमेंट मेथड यहाँ का अटैच कर सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको मैंने कंबाइन कर दिया है, और इस कंबाइन आंसर्स के अंदर मैं आपको कंप्लीट पेमेंट्स इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊँगा कि जो अमेज़ोन जिनको डील करता है, और थोड़ा सा हमारे पास ये लेंथी आंसर होगा इसका, क्योंकि दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट, और उम्मीद है कि ये आंसर की वीडियो देखने के बाद इससे मुतल्लिक किसी किस्म के आपके जहन में डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। अब इसमें बेसिकली मैं इसको डिटेल से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके दो पार्ट्स होंगे। एक ये कि मैं आपको वर्बल बता रहा हूँ कि इसमें हमारी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारे पास मेथड होते कौन कौन से और किस तरीके से हम अपने अकाउंट अटैच कर सकते हैं अमेज़ोन के साथ, और उसका हमें पे आउट किस तरीके से मिलता है। और दूसरे नंबर पे फिर मैं आपको लेके जाऊंगा अमेज़ोन के सेलर सेंट्रल के ऊपर, और वहाँ से जाके मैं आपको बताऊँगा कि अमेज़ोन खुद इसके बारे में क्या कहता है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके पेमेंट्स इंफॉर्मेशन का एक सेक्शन होता है अमेज़ोन सेलर सेंट्रल पे, वहाँ पे हमारे पास तीन किस्म की ऑप्शन आ रही होती हैं। एक हमारे पास डिपॉजिट मेथड आ रहा होता है, एक हमारे पास चार्ज मेथड आ रहा होता है, और एक हमारे पास चार्ज मेथड फॉर एडवर्टीजमेंट आ रहा होता है। डिपॉजिट मेथड, जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे हमें एक वो अकाउंट अटैच करना होता है कि जिसमें हमारी पेमेंट्स ट्रांसफ़र होती है। पेमेंट्स ट्रांसफ़र मीन्स कि आप जितनी भी सेलिंग कर रहे होते हैं अमेज़ोन के ऊपर, तो एक अकाउंट जो आपका अटैच होता है उसको हम डिपॉजिट मेथड कहते हैं। तो इस वीडियो में एक तो कंप्रीहेंसिव मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डिपॉजिट मेथड आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइडर हैं कि जिनका मेथड आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, और उसके अलावा कौन कौन से कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पर इनकेस अगर आपका अकाउंट है और वो अकाउंट जो है वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। डिपॉजिट मेथड हमारे पास ये हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है चार्ज मेथड। अब चार्ज मेथड का मतलब होता है कि जब आप अमेज़ोन के ऊपर अकाउंट ओपन करते हैं तो बेसिकली अकाउंट ओपनिंग के वक्त चार्ज मेथड आपसे रिक्वायर्ड किया जाता है। डिपॉजिट मेथड इज़ नॉट कंपलसरी दैट यू नीड टू प्रोवाइड ऑन द सेम टाइम। आप अकाउंट जब क्रिएट कर रहे होते हैं उस वक्त आपको डिपॉजिट मेथड देने की ज़रूरत नहीं होती, जब आप अकाउंट अपना क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद फिर आप डिपॉजिट मेथड अपना दे सकते हैं। इवन के विदाउट एडिंग द डिपॉजिट मेथड आप अपनी लिस्टिंग भी कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं, मगर वो पैसे आपके डैशबोर्ड पे ऐड होते रहेंगे अनटिल अनलेस यू नीड टू ऐड द डिपॉजिट मेथड। तो चार्ज मेथड आपका है बेसिकली जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं उस वक्त आपको प्रोवाइड करना होता है। चार्ज मेथड में जो अमेज़ोन की मंथली सब्सक्रिप्शन है वो उसके अंदर अमेज़ोन उसमें से उसकी डिडक्शन करता है, जो कि 39.99 डॉलर्स है। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं कि जहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेट्स सपोज इजिप्ट में नहीं है, यूएई में नहीं है, केएसए में नहीं है, इंडिया में नहीं है, टर्की में नहीं है, इन कंट्रीज़ के अंदर आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं उस वक्त केएसए, यूएई, इजिप्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन ये अवेलेबल होती है कि आप चार्ज मेथड को स्किप करना चाहें, मीन्स कि आप अपने
कार्ड्स की डिटेल्स ना देना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मगर आप इंडिया टर्की में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आज तो मंथली सब्सक्रिप्शन वहाँ पे नहीं है, मगर चार्ज मेथड के लिए बैंक अकाउंट एक वैलिड कार्ड की डिटेल्स आपको देनी होती है। अब इसमें एक दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वहाँ पे मोस्टली लिखा होता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जो है वो इसके अंदर ऐड करें। इनफैक्ट आप अपना क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं, इनकेस अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है तो वो अपना डेबिट कार्ड भी दे सकते हैं। उसके लिए कंपलसरी ये है कि वो कार्ड आपका ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए भी एक्टिव होना चाहिए और उसके साथ साथ वो कार्ड आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए भी एक्टिव होना चाहिए, तो आप वो कार्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरे नंबर में हमारे पास आ जाता है चार्ट मेथड फॉर एडवर्टाइजमेंट। इन केस आपका स्टोर क्रिएट हो गया, आपने लिस्टिंग भी कर दी, एंड ऑब्वियसली अगर स्टार्टिंग के अंदर आपके स्टोर की सेल कम आ रही है तो उसके लिए आप PPC कंपेन चलाते हैं, आप कोई कूपन लगाते हैं, आप किसी भी किस्म के उसमें प्रमोशन कर रहे हैं, उसके जो चार्जेस होंगे वो अमेज़ॉन उस कार्ड में से माइनस करेगा कि जो आपने उसके साथ अटैच किया हुआ है। अब ये उस वक्त तक होगा कि जब तक आपकी सेल इस लेवल तक नहीं पहुंच जाती कि वो अमेज़ॉन की डिडक्शन से इंक्रीज़ कर जाए, जब वो इंक्रीज़ कर जाती है तो फिर नॉर्मली उसकी जो एडजस्टमेंट है आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन की, और उसके बाद इन केस अगर आपने किसी किस्म की कोई एडवर्टीजमेंट कंपेन चलाई हुई है तो वो पैसे फिर अमेज़ॉन आपकी सेल में से माइनस कर लेते हैं, फिर वो आपके कार्ड को चार्ज नहीं करते। ये तीन मेथड हमारे पास यूज़ होते हैं। इसमें डिटेल मैंने आपको बता दी है कि डिपॉजिट मेथड, उसके बाद चार्ज मेथड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप दोनों में से कोई सा भी दे सकते हैं और उसके अलावा आप किसी का भी दे सकते हैं। मीन्स कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या आपका डेबिट कार्ड आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए एक्टिव नहीं है तो वो आप अपने किसी फ्रेंड का भी दे सकते हैं, किसी फैमिली मेम्बर का भी दे सकते हैं, बट दीज कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट कि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए वो एक्टिव होना चाहिए। अब इसमें हमें इसके अंदर तो इतना इशू नहीं होता कि आपका जो चार्ट मेथड है वो भी क्लियर है, उसमें इतनी टेक्निकल चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। उसके बाद चार्ट मेथड फॉर एडवर्टाइजमेंट वो आप डिफरेंट भी दे सकते हैं, वो आप सेम भी दे सकते हैं दोनों चार्ट मेथड के अंदर। आपका जो डिपॉजिट मेथड है दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी के बारे में आ रहे होते हैं और लोग थोड़ा सा इसके बारे में कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं, पर्टिकुलरली जब उन्होंने नया अकाउंट क्रिएट करना हो या उसके अलावा वो अपने एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट के साथ मर्ज कर रहे हो, तो इन दिस केस वो एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि इसमें हमें डिपॉजिट मेथड जो है वो कौन सा देना चाहिए। क्योंकि आप अपना अकाउंट अगर मर्ज भी करते हैं, मीन्स कि आपका एक अकाउंट जो है वो USA में है, आप उसको सिंगापुर के अकाउंट के साथ आप मर्ज कर रहे हैं, तो सो वहाँ पे सिंगापुर के साथ जो अकाउंट आप मर्ज करेंगे वहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएशन की तो न्यू ज़रूरत नहीं है, मगर आपको उसके लिए बैंक अकाउंट जो है वो अटैच करना होता है। अकाउंट मर्ज के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट। डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन आपके जहन में होते हैं कि हम नया अकाउंट बनाएं या हम अकाउंट को मर्ज करें और किस तरीके से मर्ज करें या उस पर हम ग्लोबल सेलिंग किस तरीके से जाएं, उसके लिए एक रहता से वीडियो मैं बना दूंगा उसकी। अब जो आपका डिपॉजिट मेथड होता है, डिपॉजिट मेथड एक तो जिस कंट्री के अंदर आप अकाउंट अपना बना रहे हैं, सो द इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि अगर उसी कंट्री का बैंक अकाउंट आपके पास अवेलेबल है तो आप डेफिनेटली उसी को अटैच करेंगे। अगर आपके पास उस कंट्री का बैंक अकाउंट अवेलेबल नहीं है, मैं उसके एग्जांपल आपको दे दूं कि आप पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर आप UAE के अंदर या KSA के अंदर आप अपना अकाउंट बना रहे हैं, तो उसके लिए इन कंट्रीज़ के अंदर अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर आप अपना पायनियर का अकाउंट जो है वो इसके साथ अटैच कर देंगे। बेसिकली इनको हम कहते हैं पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। अमेज़ॉन के ऊपर 32 पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो लेटर ऑन मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। इसका शेयर जो है, इसका लिंक जो है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी जाके इस लिंक को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास डिटेल जो है वो उसकी सारी आ जाएंगी। आपके पास टोटल जो है वो 32 सर्विस प्रोवाइडर हैं कि जिन पे जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और उन अकाउंट्स को आप अमेज़ॉन के अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं। दिस इज़ नंबर वन। नंबर सेकंड, फिर इन सर्विस प्रोवाइडर अकाउंट के साथ आप जिस भी कंट्री में हैं आप अपना उस कंट्री का अकाउंट इसके साथ अटैच करेंगे, अमेज़ॉन से पैसे जो है वो ट्रांसफ़र होंगे जो अकाउंट आपने अमेज़ॉन के साथ अटैच किया हुआ है, और वहाँ से पैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे आपने अपना पर्सनल जो भी अकाउंट उस कंट्री स्पेसिफिक कंट्री का आपने दिया हुआ है।
उसके अलावा हमारे पास जो है अमेजोन का पे आउट जो है वो आफ्टर 14 डेज होता है। आप अर्ली रिक्वेस्ट करना चाहें, अगर आपकी सेल फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होती है। अदरवाइज नॉर्मली इसका ऑटो जनरेटेड होता है, आफ्टर 14 डेज पेमेंट है वो आपके उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है एंड इट टुक नॉर्मली 3 to 5 वर्किंग डेज। तो ऑल टुगेदर आपके पास ये 18 to 20 डेज का प्रोसेस होता है कि आपकी जितनी भी सेल होती है वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास 44 कंट्रीज़ ऐसे हैं कि वहाँ पे अगर आपका अकाउंट है तो आप वो अकाउंट अमेज़ॉन के अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं और आपका जो भी पे आउट है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें अमेज़ॉन की अपनी सर्विसेज भी हैं, मीन्स कि अगर आप अमेज़ॉन का करेंसी इन्वर्टर अकाउंट वहाँ पे देना चाहें तो आप उसको भी दे सकते हैं। वो कन्वर्जन रेट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस कन्वर्जन रेट का लिंक जो है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये एक इसका वर्बल इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया है कि हमारे पास डिपॉजिट मेथड है, पेमेंट मेथड है, चार्ज मेथड है, ये हमारे पास कौन कौन से होते हैं, अमेज़ॉन खुद इनके बारे में क्या कहता है। तो अभी हम चलते हैं अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल की तरफ, वहाँ जाके फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन से हमारे पास वो 32 हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर हैं, उसके अलावा कौन कौन से कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे आपका अकाउंट है तो वो आप उसके साथ अटैच करें। तो अभी आए चलते हैं हम अमेज़ॉन के सेलर सेंटर। ओके, तो इसमें अभी ये एक अकाउंट मैंने ओपन किया है, इसकी आप बेसिकली आपका सेलर सेंटर है, वहाँ पे आप अकाउंट इन्फो के अंदर जाएंगे, सेटिंग में जाके आपके पास ये सेलर अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। अब सेलर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ रहा है डिपॉजिट मेथड्स, चार्ज मेथड्स और चार्ज मेथड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब डिपॉजिट मेथड को मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, डिपॉजिट मेथड के अंदर यहाँ पे इसमें ऐड ड्यू डिपॉजिट मेथड भी आ रहा है, मैनेज भी आ रहा है। अब लेट सपोज मैं इसको ऐड ड्यू डिपॉजिट मेथड करता हूँ जो ऑलरेडी हमारे पास ऐड है, अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ या कि और इसमें ऐड करना चाहूँ। अब यहाँ पे आप नीचे बैंक लोकेशन आपके पास आ रही है, अब बैंक लोकेशन को जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको देखें, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ये हमारे पास एक लिस्ट आ रही है। ये अगर आप इसको नीचे लेके आए, माल्टा, मोरक्को, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रोमानिया, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, तो मीन्स कि आप इन 44 कंट्रीज़ के, अगर इन केस अगर आपके अकाउंट्स यहाँ पे किसी भी कंट्री के अंदर हैं तो वो अकाउंट आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। दिस इज़ नंबर वन, ये है डायरेक्ट बैंक अकाउंट जो है वो आपने किस तरीके से इसके साथ आपने अटैच करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो दो तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि एक हमारे पास ये आ गया करेंसी कन्वर्टर फॉर सेलर्स। अगर आप दूसरा बैंक अकाउंट अटैच करते हैं और उसमें करेंसी कन्वर्टर, वो भी मैं इसको वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, मगर ये है कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप इसको ओपन करेंगे तो अमेज़ॉन जो कुछ आपको कह रहा है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये एक ऑप्शन नज़र आ रही है सेलिंग पार्टनर ऐप स्टोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 32 हमारे पास सेलिंग पार्टनर ऐसे हैं कि जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आप देखें, यहाँ पे हमारे पास पायनियर आ रहा है और मोस्टली आप अगर किसी और कंट्री से बैठ के अपना अमेज़ॉन पर स्टोर रन कर रहे हैं कि जहाँ पे अमेज़ॉन के प्रैक्टिकली या वहाँ पे ऑपरेशंस नहीं है, उसके लिए फिर आप इन एप्लीकेशन चैनल्स पे भी अपना अकाउंट बना के अमेज़ॉन के साथ आप अटैच कर सकते हैं। उसमें आप यहाँ पे देखें 32 of 32 रिजल्ट। ओके, सबसे पहले हमारे पास पायनियर है, उसके बाद हमारे पास अमेज़ॉन करेंसी कन्वर्टर आ गया, वर्ल्ड फर्स्ट, ये स्काई, ये भी हमारे पास सेलर मालिक आ गया, हमारे पास ये आईपी लिंक्स है इसके अंदर, ये हमारे पास ऑल टुगेदर 32 ऐप स्टोर्स हमारे पास ऐसे हैं। इसकी आप रेटिंग देखना चाहें वो भी दे सकते हैं, फर्दर आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें, इनके लिंक्स इसी के अंदर ही अवेलेबल होंगे। तो जो मेन लिंक इसका है हमारे पास यहाँ पे सेलिंग पार्टनर ऐप स्टोर वाला, वो लिंक जो है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ, तो आप यहाँ से जाके भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मीन्स टू से के इसमें हमारे पास डिपॉजिट मेथड आ गया, इसके अंदर हमारे पास चार्ज मेथड आ गया, इसमें हमारे पास चार्ज मेथड फॉर एडवर्टाइजमेंट आ गया, उसके अलावा कौन कौन से कंट्रीज़ के बैंक अकाउंट आप अटैच कर सकते हैं, पे आउट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कितने टाइम के बाद होता है,
और उसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, हाँ इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर सपोज हमारे पास, हम इसकी सेटिंग में जाएँ, अकाउंट इन्फो में जाएँ, और जो मैंने आपसे बात किया कि चार मेथड में नॉर्मली लिखा होता है ना क्रेडिट कार्ड आप अटैच करें, अगर मैं यहाँ पे चार मेथड में जाऊँ, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे चार मेथड में जाऊँ, तो चार मेथड में देखें यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ओके, उसके बाद वीज़ा पेंडिंग, ओके, ये इसके नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड की ऑप्शंस भी अवेलेबल है और उसके साथ साथ हमारे पास डेबिट कार्ड की ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये हमारे पास एक, मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल से आपके जो पेमेंट्स मेथड्स हैं उन सब के बारे में आपको बता दूँ। उसके अलावा इस पेमेंट इंफॉर्मेशन से मुतालिक आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वेबसाइट के थ्रू या हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।